इस बेहतरीन मंच से मैं अपनी कागज की केतली से कुछ उफनते नगमे देना चाहूंगा। कागज की केतली से मैं लिखता हूँ, बट पढ़ने का मौका पहली बार मिला है मुझे। तवज्जो चाहूंगा कि इन अल्फाजों की नोक से, इन अल्फाजों की नोक पे ये हंसी कारवां लूटना चाहता हूँ, तुम्हारे मन की सफेद चादर पे हल्दी के दाग सा छूटना चाहता हूँ। एक सवाल पूछा है अगली गजल में अपनी काबिलियत पे कि आप क्या कर सकते हो, किस चीज के आप काबिल हो, कि गर्मियों में ठंडी हवा के झरोखों से तो तुम हो, गर्मियों में ठंडी हवा के झरोखों से तो तुम हो, पर क्या किसी के एतबार की दीवार बने हो तुम। माना माना छोड़ देते हो लोगों पर खुशबुएं अपनी, माना छोड़ देते हो लोगों पर खुशबुएं अपनी, पर क्या इश्क की तरह कभी असरदार बने हो तुम। मजबूत सा एक जिल्द हो, जिल्द समझते हैं आप कॉपी किताबों पे लगता है, कि मजबूत सा एक जिल्द हो किसी कीमती किताब का, क्या किसी आम आदमी का अखबार बने हो तुम। सारी जिंदगी तलाशते रहे, सारी जिंदगी तलाशते रहे जाने कितने मकाम, क्या किसी आंख का इंतजार बने हो तुम। कर दिया चर्चा अपनी जिस्मानी खूबसूरती का बस, कर दिया चर्चा अपनी जिस्मानी खूबसूरती का बस, क्या अपनी बेहतरीन रूह के इश्तेहार बने हो तुम। कुछ ही हैं इस दुनिया में जिन्हें तुम अपना कह सकते हो, कुछ ही हैं इस दुनिया में जिन्हें तुम अपना कह सकते हो, क्यों उसी के लिए इस कदर दुनियादार बने हो तुम। आखिरी दो शेर पढ़ रहा हूं इसी में, कि फुर्सत में तो हर शख्स यादों में डूब सकता है, फुर्सतों में तो हर शख्स यादों में डूब सकता है, मसरूफियत में बने रहे क्या ऐसा खुमार बने हो तुम। और ये सबको सबको नजर कर रहा हूं ये कि ये स्ट्रेस भरी जिंदगी में कि नादानियों की छांव में ही खुश मिजाजी पलती है, नादानियों की छांव में ही खुश मिजाजी पलती है, इस जमाने में इस कदर क्यों समझदार बने हो तुम। अगली एक, बहुत बहुत शुक्रिया, और अगली एक अगली इसके बाद, इसके बाद जो गजल है वो है आपकी शख्सियत और उसूलों के बीच की जो कश्मकश रहती है उस पर लिखी हुई एक गजल है, कि पढ़ लो खुली किताबों सा तुम, हम बिकते हैं अखबारों से। पढ़ लो खुली किताबों सा तुम, हम बिकते हैं अखबारों से, पर किसी और का राज बताना हमसे ना हो पाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो हमसे ना हो पाएगा मेरे साथ आप अगली बार दोहराएं, कि ख्वाहिश हम भी रखते हैं दुनिया में अव्वल आने की, ख्वाहिश हम भी रखते हैं दुनिया में अव्वल आने की, पर किसी को खींच के नीचे लाना हमसे ना हो पाएगा। खाना बदोश नहीं है फितरत, खाना बदोश नहीं है फितरत, यकीन घोंसलों में है अपना, खाना बदोश नहीं है फितरत, यकीन घोंसलों में है अपना, पर किसी बेपरवाह पे वक्त लुटाना हमसे ना हो पाएगा। थाम लिया जो हाथ कोई, थाम लिया जो हाथ कोई, नियत को उसकी परखें क्या, थाम लिया जो हाथ कोई, नियत को उसकी परखें क्या, वक्त देख के गिरफ्त घटाना हमसे ना हो पाएगा। एक चीज बोलते हैं कि समझदार प्रेमिकाएं पत्नियां हो जाती हैं और बाकी सारी कविताएं, तो मेरी 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 समझदार प्रेमिका और बीवी यहां बैठी हुई है, उनको नजर कर रहा हूं ये शेर, कि सांस भले ना आए उस बिन, सांस भले ना आए उस बिन, हो जाएं चाहे यार फना, सांस भले ना आए उस बिन, हो जाएं चाहे यार फना, पर भरी महफिल में उसे जान बुलाना हमसे ना हो पाए।
एक शरारती शरारत शरारत और शायरी का एक थोड़ा कॉम्बिनेशन लिखा है, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, कि गुसल खाना है जहन ये, गुसल खाना है जहन ये और बेलिबास सी ख्वाहिशें, गुसल खाना है जहन ये और बेलिबास सी ख्वाहिशें, कुंडी बंद किए नहाना हमसे ना हो पाएगा। लफ्जों का इंतखाब कभी यारों से गलत हो सकता है, लफ्जों का इंतखाब कभी यारों से गलत हो सकता है, लहजों को पर जल्दी भुलाना हमसे ना हो पाएगा। हुनरमंद हूँ ले जा सकता हूँ, हुनरमंद हूँ ले जा सकता हूँ तुमको भी गहरी नींदों में, पर अपने अंदर के बच्चे को सुलाना हमसे ना हो पाएगा। तेरी खातिर तब्दील हो गए, तेरी खातिर तब्दील हो गए ख्वाब जिस्म आदत मेरी, पर रूह को अब झूठा बहलाना हमसे ना हो पाएगा। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूं ये, कि मैंने भी कुछ तय किए मकाम, मैंने भी कुछ तय किए मकाम, ऊंचाई छूली काफी, पर उस ऊंचाई को आसमान बताना हमसे ना हो पाएगा। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच।